हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं एक स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम का। ये है मारानी DP8 260P। ये एक कंप्लीट स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम है। आज हम इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू और एक छोटा सा टेस्टिंग भी करने वाले हैं और एक क्विक स्टार्ट गाइड भी हम करने वाले हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा, इसके सॉफ्टवेयर को हम PC में भी इंस्टॉल करके आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो उस वीडियो का भी आप वेट कीजिएगा, वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में हम एक क्विक स्टार्ट गाइड, जैसे आप अगर इसको परचेज कर चुके हैं उसको कैसे आप जल्द से जल्द काम में लें, इसके बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है दोस्तों मारानी DP8 260P। ये एक कंप्लीट स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आपको 2 इनपुट और 6 आउटपुट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। इस पैकेट को खोलने के बाद हमें पहले देखने को मिलता है एक DVD, जिसकी सॉफ्टवेयर को हम PC में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना मनचाहा प्रीशेड भी PC में रेडी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक डेटा केबल, इसका यूज करके हम इस स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम को PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिलता है। आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं इस वारंटी कार्ड को फिलअप करवा लें। और इसके साथ हमें एक पावर केबल देखने को मिलता है और ये है हमारा मेन यूनिट मारानी DP8 260P। इससे पहले कि हम इसको यूज करें, हमें जानना जरूरी है कि इसका यूज करके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसका यूज करने से हमें एक कंप्लीट पैकेज मिलता है, जिसमें हमें क्रॉसओवर, इक्विलाइजर, कंप्रेसर, लिमिटर, ये सारे चीज एक ही यूनिट में हमें देखने को मिलता है। इसका क्रॉसओवर का फीचर को हम यूज करके हमारे 6 चैनल आउटपुट में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज ले सकते हैं, जैसे सबवूफर्स के लिए सबवूफर का फ्रिक्वेंसी, टॉप के लिए टॉप का फ्रिक्वेंसी और लाइनरी के लिए लाइनरी का फ्रिक्वेंसी। ये सारी चीज हम एक ही यूनिट से ले सकते हैं, जो कि क्रॉसओवर में हमें एक ही टाइम में ये सारे फ्रिक्वेंसीज इस तरह से हम बांट नहीं सकते। इसमें आपको इक्विलाइजर का भी फीचर मिलता है, जिसका यूज करके आप अपना मिक्सिंग का ऑल ओवर जो भी इक्विलाइजेशन है उसके बाद भी आप स्पीकर मैनेजमेंट के टाइम में आप उस ट्यून को EQ भी कर सकते हैं। इसका कंप्रेसर का फीचर यूज करके आप अपने ट्यून को उसको और भी स्मूथ और उसमें और भी म्यूजिकल पंच ला सकते हैं। और इसका लिमिटर का फीचर को यूज करके आप अपने स्पीकर सिस्टम को डिस्टॉर्शन लेवल में जाने से बचा सकते हैं, अपने स्पीकर्स को डैमेज होने से भी बचा सकते हैं। और ये है इसका डिस्प्ले, आप इसमें जो भी प्रीसेट बनाएंगे इस डिस्प्ले में आप इसको देख पाएंगे। और ये है इसका नेविगेशन मेनू, यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स और स्क्रॉलर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक नेविगेशन व्हील है, प्रोग्राम व्हील इसमें 3 दिए गए हैं, एक एंटर का बटन है, एक एस्केप का बटन है और एक यूटिलिटी का बटन है। इसका यूज हम आगे चल के जानने वाले हैं। ये है इसका इनपुट सेक्शन, आप अगर इनपुट में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट में जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये है इसका आउटपुट सेक्शन, आउटपुट में आपको 6 आउटपुट देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो अलग अलग आउटपुट में भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज भी क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे में दिए गए बटन का यूज करके आप एडिट में जाके इसका प्रीसेट में जो भी चेंजेस आपको चाहिए होगा उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूट का भी बटन देखने को मिलता है, अगर आप इसका बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आप म्यूट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर चैनल को। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक USB स्लॉट, यहाँ पे आप अपना डेटा केबल को कनेक्ट करके PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और सिस्टम मोड में जाके कोई भी एक प्रीसेट बना के आप लोड भी कर सकते हैं।
चलिए इसका बैक साइड हम देख लेते हैं। इसके बैक साइड में हमें देखने को मिलता है एक पावर ऑन ऑफ बटन, एक पावर केबल कनेक्ट करने के लिए स्लॉट, और इस यूनिट को आप ग्राउंड या फिर लिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक आपको स्विच देखने को मिलता है। ये प्रोडक्ट डिजाइंड इन इटली, असेंबल्ड इन चाइना है। और यहाँ पे दो XLR कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए स्लॉट देखने को मिलता है जो RS485 के लिए है। एक इनपुट स्लॉट देखने को मिलता है और एक आउटपुट स्लॉट देखने को मिलता है, और एक USB और RS485 ग्राउंड और लिफ्ट स्विच देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका आउटपुट सेक्शन, 6 आउटपुट इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे इसका इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे आपको दो XLR इनपुट डालने होंगे जो आप अपने मिक्सर से लाए होंगे, चैनल A और चैनल B का। इसको फिलहाल हमने स्विच ऑन कर लिया है। अगर आप देखते हैं इसमें कोई पुराना प्रीसेट है, अगर उस प्रीसेट्स को आपको रीसेट करना है, मीन्स ये है कि अगर आप इस यूनिट को फैक्ट्री मोड में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा, देन आपको एंटर, एस्केप और यूटिलिटी का जो बटन है तीनों को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, देन आपको स्विच ऑन करना है। ऐसा करने से ये यूनिट जो है वो इसका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। So, इसका मेमोरी जो है वो रीसेट हो चुका है, ये लोड हो रहा है। अब आप इसमें कोई नया प्रीसेट बना सकते हैं। ये है इसका डिस्प्ले सेक्शन, और ये है इसका मेन नेविगेशन व्हील, और साथ में ये इसका प्रोग्राम व्हील नंबर 1 भी है, और ये इसका प्रोग्राम व्हील 2 है, और ये इसका प्रोग्राम व्हील 3 है। यहाँ पे एक एंटर का बटन दिया गया है, आपको इस सिस्टम में एंट्री करने के लिए एंटर का बटन को प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक एस्केप का बटन भी दिया गया है वापस लौटने के लिए। और यहाँ पे इसका यूटिलिटी बटन है, इसका यूज करके आप यूटिलिटी मेनू में जा सकते हैं, और इसमें जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे इंटरफेस यूटिलिटीज, प्रोग्राम यूटिलिटीज, सिस्टम यूटिलिटीज। आपको जिस भी यूटिलिटी में अंदर जाना है आपको एंटर दबाना पड़ेगा, और वहां पे जाके आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। एस्केप का बटन यूज करके आप उस मेन्यू से वापस भी आ सकते हैं, और प्रोग्राम यूटिलिटी में जाके आप कोई भी प्रीसेट बना सकते हैं, उसको लोड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। रिकॉल ए प्रीसेट का यूज करके आप कोई भी प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी प्रीसेट नहीं है, तो ये यहाँ पे नो स्टोर्ड प्रीसेट लिख के आ रहा है। सो एक प्रीसेट बनाने के लिए हमें सेव अ प्रीसेट को क्लिक करना पड़ेगा, और उसमें एंट्री करने के बाद हम उस प्रीसेट का कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे P01 है, ये हमारा प्रोग्राम नंबर है, और यहाँ पे जो एम्प्टी मेमोरी लिखा हुआ है यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रीसेट को TNT ऑडियो नाम दे दिया है, देन हमें एंटर दबा के इसको सेव करना है, और उसके बाद हमें फिर से रिकॉल अ प्रीसेट में जाना है, और वहाँ पे जाके हम उस प्रीसेट को देख सकते हैं और वहाँ से लोड भी कर सकते हैं। देन उस मेन्यू से वापस आने के लिए हम एस्केप का यूज करके वापस आ सकते हैं, और सिक्योरिटी यूटिलिटी में जाके हम इस यूनिट को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। आउट
आउटपुट जो है उसमें आपको जो बटन्स देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे आप एक बार प्रेस करने के बाद आप एडिट में जा सकते हैं और एडिट में जाने के बाद आपको वो प्रीसेट्स स्क्रीन में देखने को मिलेगी। सो पहले हम इसको ऑन म्यूट कर लेते हैं। और इनपुट सेक्शन में भी हम एडिट में जाके कोई भी प्रीसेट को चेंज भी कर सकते हैं और इनपुट को हम म्यूट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते होंगे एडिट में जाने के बाद यहाँ पे वो दोनों चैनल का प्रीसेट हमें देखने को मिलता है, जैसे इनपुट नेम, बाईपास ऑन ऑफ, गेन लेवल, फेज इन्वर्ट, डिले, बाईपास आरएनएस कंप्रेसर के लिए, ईक्यू सेक्शन। इस तरह से हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपको अगर कोई भी मेन्यू में चेंजेस करना है तो एंटर दबा के आप उस मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं गेन का जो लेवल है उसको कम या फिर ज़्यादा कर सकता हूँ। और प्रोग्राम थ्री व्हील का यूज करके आप उस गेन लेवल को फाइन भी कर सकते हैं। इस प्रीसेट से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप का बटन यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें आउटपुट सेक्शन में कुछ भी चेंजेस करना है तो हम उस पर्टिकुलर चैनल का एडिट सेक्शन में जाके चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल चैनल 1 और चैनल 2 को सबवूफर के लिए यूज़ करने वाला हूँ तो मुझे वो दोनों आउटपुट का एडिट में जाना होगा। नेक्स्ट डिस्प्ले में हमें सारे डिटेल्स शो होंगे, वहाँ पे हम एंटर करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें गेन लेवल को कम या ज़्यादा करना है तो हम एंटर प्रेस करके गेन लेवल को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम फेज इन्वर्ट में जाके फेज को नॉर्मल या फिर इन्वर्ट भी कर सकते हैं। डिले में जाके हम उस चैनल को डिले भी कर सकते हैं। RMS कंप्रेसर बाईपास में जाके हम उसका थ्रेशोल्ड को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। हाईपास फिल्टर और लो पास फिल्टर में जाके हम अपना फ्रीक्वेंसी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें कोई भी स्लोप डाल सकते हैं। और अगर हम 3 और 4 को टॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एडिट करके उसका फ्रीक्वेंसी रेंज और सारे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे है इसका EQ सेक्शन, इसको अगर आप चाहें तो इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो जब हम इसका सॉफ्टवेयर को PC में इंस्टॉल कर लेंगे उसके बारे में और भी डिटेल में उस वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल आप ये क्विक स्टार्ट गाइड को फॉलो करके इजीली इसको स्टार्ट करके रन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसका अपग्रेड वीडियो रहेगा उसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, कहाँ पर क्या
यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना है, वो आगे आने वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम इसका एक टेस्टिंग भी सुन लेते हैं। दोस्तों ये था मारानी DP8 260P। ये एक कंप्लीट स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम है। आप इसका यूज करके अपने स्पीकर्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, उनको डैमेज होने से बचा भी पाएंगे और आपका जो ऑडियो क्वालिटी है काफी इसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक शेयर, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, उस लिंक में जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो इसको TNTAudio.in पे भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।